हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। क्वेश्चन नंबर 25, चैप्टर नंबर 23, हीट एंड टेम्परेचर। एसी वर्मा, द डेंसिटी ऑफ द वुड एंड बेंजीन एट 0 डिग्री सेल्सियस 8880 केजी पर मीटर क्यूब एंड 900 केजी पर मीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। द कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन आर 1.2 × 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस फॉर वुड एंड 1.5 × 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस फॉर बेंजीन। And at what temperature will a piece of the wood just sink in benzene? Hello guys, welcome again. I'm your mentor Anurag. तो बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मेरे पास एक वेसल है, उस वेसल में क्या फिल है? बेंजीन है, ठीक है। तो बेंजीन फिल है, उसके बाद कहता है कि मैंने इसके अंदर क्या डाला, एक वुड का स्फीयर डाला, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ये वुड का जो स्फीयर है जस्ट सिंक है। जस्ट सिंक मतलब कि वो उसका अपर सरफेस पानी के अंदर डूबा हुआ है, ठीक है। ये कंडीशन कब होती है, थोड़ा सा अगर एफएम में अंदर रिमाइंड करें तो क्या होता है, दैट विल बी वेट फोर्स किसके बराबर हो जाती है, बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस को क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई विद जी, ठीक है। क्या आएगा यहां पर, मास ऑफ लिक्विड, ठीक है। मास ऑफ लिक्विड को क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई विद जी, ठीक है। सिमिलरली यहां पर क्या है, मास ऑफ बॉडी दैट विल बी जी, जी से जी कट, ठीक है। मास ऑफ बॉडी को क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी ऑफ बॉडी volume of body is equal to density of liquid and volume of liquid, ठीक है। अब क्या है, जितना body का volume है उतना ही तो पानी हटाएगी, तो दोनों का volume भी क्या है, same है, ठीक है। तो ये क्या होता है, just same condition पे क्या होता है, density of body is equal to density of liquid, ठीक है। लेकिन इस question के अंदर ये situation अभी नहीं है, कब आएगी, जब आप temperature increase करोगे, जब expansion हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाद वाली कंडीशन है, तो क्या आ जाएगा ऊपर, डैश डैश, ठीक है। ये अभी नहीं है, टेम्परेचर रेज करने के बाद है, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करते हैं कि कैसे ये कनेक्ट हो जाएगा। सपोज अपने को पता है कि वॉल्यूम v डैश इज इक्वल टू v 1 प्लस गामा डेल्टी, ठीक है। v को क्या लिख सकता हूं मैं, मास ऑब्लिक डेंसिटी, बाद वाली डेंसिटी, मास ऑब्लिक डेंसिटी पहले वाली डेंसिटी, 1 प्लस गामा डेल्टी, ठीक है। मास से मास कट और मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी, पर पट्टी मारता हूं तो गामा डैश इज इक्वल टू गामा 1 प्लस दैट विल बी रो डैश इज इक्वल टू रो 1 प्लस गामा डेल्टी, ठीक है। तो ये अपने पास एक सिचुएशन बन जाती है, इसको वॉल्यूम को ऐसे भी लिख सकता हूं। अब यहां पुट कर देते हैं वैल्यू, ठीक है। तो बॉडी की बेंजीन की जगह क्या है, दैट विल बी, एक हमारे पास क्या है, वुड है, बॉडी की जगह क्या है, वुड, और लिक्विड की जगह क्या है, बेंजीन, ठीक है। तो दैट विल बी वुड इज इक्वल टू बेंजीन, सही है, पुट कर रहा हूं, डेंसिटी ऑफ वुड इनिशियल टेम्परेचर कंडीशन पे 1 प्लस गामा ऑफ वुड डेल्टी इज इक्वल टू गामा रो ऑफ बेंजीन डेंसिटी ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा ऑफ बेंजीन दैट विल बी डेल्टी, सही है। तो ये सिचुएशन है अपने पास और अब निकालना कि अपने को डेल्टी निकालना है, ठीक है। तो इसको पुट कर लेते हैं वैल्यूज को, तो आने क्या वाला, दैट विल बी ये गिवन है मेरे पास, क्या क्या वैल्यू है, वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन किसका, वुड का दिया हुआ 1.2 प्लस 1.2 × 10⁻³, ये कितना दिया हुआ है, -3। डेल्टी निकालना ही है और वुड की डेंसिटी मुझे कितनी गिवन है, दैट विल बी 880 एग्जैक्टली, और इसकी डेंसिटी मुझे कितनी गिवन है, 900 1 प्लस ये कितना गिवन है, 1.5 × 10⁻³ मल्टीप्लाई में डेल्टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास 880 प्लस
880 multiply 1.5 10 raised to power minus 3 del t is equal to 900 plus 900 multiply 1.2 10 raised to power minus 3 del t. ठीक है, तो del t वालों को इस तरफ करते हैं, उसको इस तरफ करते हैं, ये हो जाएगा that will be 880 और del t वाले भैया बाहर ही आ जाएंगे multiply में 1.5 10 raised to power minus 3 minus 900 1.2 10 raised to power minus 3 is equal to 20. 900 में से 880 गया तो कितना हो जाएगा, that will be 20. अगर इसको sort out करते हैं तो that will be I will get something 1.5 that will be del t 1.5 that will be कितना 48 that will be around 1320 ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा that will be, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम अगर आराम से तो 20 ये नीचे जाएगा that will be 240 और यहाँ साथ में क्या मिलेगा मेरे को 10 की पावर माइनस 3 कॉमन ही था, ठीक है ये रह गया. नाइस, डेल टी इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई में 10 की पावर प्लस 3 हो जाएगा उधर जाके, अभी यहाँ माइनस 3 है और इसका गैप कितना आ रहा है 240, सो दैट इज द आंसर. 20,000 को आप किससे डिवाइड कर दीजिए 240 से, दैट विल बी अराउंड 83 अप्रोक्स 83 के आसपास आपका आंसर बन जाएगा. दैट विल बी डेल्टा टी है, अभी भी आंसर नहीं है, दैट विल बी ये मेरे पास क्या है डेल्टा टी इज इक्वल टू 83 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और डेल्टा टी क्या है T2 माइनस T1 होता है, बाद वाला टेम्परेचर माइनस पहले वाला टेम्परेचर. 83 पहले वाला टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया T2 भी कितना 83 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि T1 कितना हो गया 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो होप कैलकुलेशन भी हो गया, कंसेप्ट भी हो गया एंड आंसर भी आ गया. सो दैट इज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, होप फंडा क्लियर होगा. स्टिल यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स इफ देयर इज एनी डाउट एंड वन मोर रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.